फेम जितना अच्छा लगता है उतना ही खतरनाक भी होता है। हमारे बॉलीवुड सेलेब्स इसे बहुत अच्छे से जानते हैं। एक वक्त वो भी होता है जब आपका फेम और आपके फैंस आपको बहुत अच्छा फील करवाते हैं कि आप टॉप पर हैं, लेकिन वहीं कुछ वक्त ऐसा भी होता है जब वही स्टार्स अपने फैंस और उस फेम की लाइट से दूर हो जाना चाहते हैं। ऐसी ही हमारी कई हस्तियां कुछ समय तक तो खूब सराही गई, लेकिन जल्द वो ऐसा गायब हुई कि उसके बाद उनका कोई अता पता नहीं है बॉलीवुड के पास। सब सोचते हैं कि आखिर वो कहां चली गई। एक, सलमा अगा। सलमा पाकिस्तान में जन्मी थी। इस एक्ट्रेस ने अपना फिल्मी करियर फिल्म निकाह से शुरू किया था। इस फिल्म के लिए सलमा को काफी तारीफें बटोरने को मिली थीं, लेकिन धीरे धीरे एक्ट्रेस ने बी ग्रेड फिल्में करनी शुरू कर दी, जिसके बाद सलमा की पर्सनल लाइफ की हर एक खबर सबको मिलने लगी और धीरे धीरे उनका करियर खत्म होता गया। कुछ साल बाद वो फिर से देखी गई थी जब उनकी बेटी साशा आघा डेब्यू कर रही थी। बाद में वो भी गायब हो गई। दो, परवीन बाबी। परवीन को हमेशा ही बोल्ड सीन्स के लिए सराहा जाता था, लेकिन दुख की बात है कि उनका करियर अच्छे सेटल नहीं था। अब वो बस अपनी आत्महत्या के लिए ही याद की जाती हैं। तीन, मीनाक्षी सेशाद्री। मीनाक्षी फिल्मी करियर में काफी सफल थीं, लोग उनको बहुत चाहते थे। मीनाक्षी ने 17 की उम्र में मिस इंडिया का खिताब भी जीता था। उनके पास बड़ी फिल्में रहा करती थीं। उनकी एक्टिंग की लोग खूब तारीफ किया करते थे और शायद आज भी करते हैं, लेकिन किसी को यूँ नहीं पता कि आखिर मीनाक्षी अचानक से कहां गायब हो गई। चार, मंदाकिनी। उस वक्त अगर कोई एक्ट्रेस थी जो फिल्मों को सेंसेशनल बनाती थी तो वो थी मंदाकिनी। राम तेरी गंगा मैली में उनका जो रोल था उसे आज भी याद किया जाता है, लेकिन अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम के साथ इनके कनेक्शन की वजह से लोग इनसे दूर भागने लगे। पाँच, ममता कुलकर्णी। फिल्मों से ज्यादा ममता की पर्सनल लाइफ उनको खबरों में बनाए रखती थी। बहुत जल्द ही वो गायब हो गई, लेकिन फिर वो एक दिन ड्रग डील को लेकर न्यूज में देखने को मिली। छह, जया प्रदा। जया प्रदा के पास बड़े बड़े हीरों के साथ काम करने के चांसेज थे, लेकिन वो कभी भी उस सफलता को नहीं छू पाई और फिर उन्होंने फिल्मी दुनिया को छोड़कर पॉलिटिक्स में चली गई। सात, अनु अग्रवाल। अनु अग्रवाल अपनी फिल्म आशिकी के लिए काफी फेमस हुई थी, जिसके बाद वो एक जाना माना नाम बन गई थी। कुछ बड़ी फिल्में करने के बाद अनु ने बॉलीवुड को हमेशा के लिए अलविदा कह दिया और अब वो योगा प्रैक्टिस करती हैं। अनु ने अपनी जिंदगी को लेकर एक किताब भी लिखी थी।